हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम अंजलि सिंह आप लोग को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो ये बताइए आप सब कैसे हैं? भगवान के दुआ से अच्छे ही होंगे। तो और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब तब सब टाइम क्या हो रहा है? अभी 3:10 हो रहा है और हम लोग घूमने आए हैं। शाम को पहर होने वाला है, ठंडी की वजह से ऐसा लग रहा है शाम होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और हादसा बहुत ज़्यादा था इसीलिए अच्छा धूप नहीं हुआ है। तो कौन कौन इस समय गांव में ठंडी में है भाई, बता दीजिए। और किसके गांव में क्या चल रहा है ये भी देखिए। मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं बात करनी आता है आप लोग से, पर इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि दोस्तों मतलब मेहनत तो कर रही हो, पता नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन अपने चैनल में अच्छा ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा तो सपोर्ट करिए कि मतलब अच्छा जाए। आप लोग पता नहीं है मेरे वीडियो पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग को नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन अपने चैनल पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे और आप लोग देखें मेरे वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हम लोग खेत में मतलब आए थे घूमने के लिए, तो हम बैठे हैं अभी पेड़ के पास अपने खेत के पास। और इस साल में मतलब 2-3 साल के बाद आए हैं, तो थोड़ा घूमने उमने चले आते हैं शामों को। तो मैं मम्मी से बोली, मम्मी चलिए, तो मम्मी कह रही हैं कि नहीं तुम जाओ अकेले घूम के आ जाओ। तो हम कहें कि ठीक है हम जाते हैं। तो हम और मेरा बाबू और दीदी का लड़का आए थे, तो वो सब चले गए, हम बैठे हैं। हम सोचे थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा दें आप लोगों को। तो देखिए इस साइड मतलब पूरा हम लोग का खेत है और काफ़ी मतलब इस समय अच्छा लग रहा है, गेहूं भी अच्छा है। और इस साइड बैठे हैं तो इस साइड दूसरे का है और मेड़ पे हम बैठे हैं, दोनों तरफ से खेतों के बीच में मेड़ पे बैठे हैं, चुपचाप आप लोग से बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए और सपोर्ट कीजिए, चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें। और कोई भी गलती अगर हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा है कि नहीं, ये लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर दोस्तों मैं कोशिश करूँगी इससे भी अच्छा बनाने के लिए, और इसके सिवा कर ही क्या सकती हूँ। आप लोग को पसंद आए ना पसंद आए तो आप लोग के ऊपर, आप लोग कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हैं नहीं देखना पसंद करते हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए। तो मैं बैठ के इसलिए मतलब इसलिए आई हूँ बैठ के, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मैं सोची थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ तो फिर घर जाती हूँ, तो इसलिए बात करने लगे। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कैसा लगे, तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो डालने की एक बार कोशिश करूँगी। क्या करूँ, मैं कभी मतलब लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की थी, अभी कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ किस किस को मेरा वीडियो पसंद आता है। तो आप लोग हमारे वीडियो पे खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि हम भी आगे निकल सके। और हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें, किसी की ना बुराई करें और किसी की बुराई ना सुने। तो इसलिए जहाँ रहें तहाँ अपनी ही बात करें, किसी और की बात ना करें। मतलब बहुत लोगों को मेरा बात बुरा लगा होगा, लेकिन ये सही है, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की भलाई नहीं करेंगे तो किसी की बुराई भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जहाँ रहें सिर्फ अपनी ही बात करें। तो भगवान से दुआ करती हूँ, जिनके भी दिमाग में गंदे विचार हैं सब भगवान निकाल दें, और नया साल आ रहा है खूब अच्छा अच्छा सा चीज़ दिमाग में भर दें, ताकि कोई किसी का बुराई ना करे और किसी की बुराई ना सुने, जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठाए। इस नया साल में हम ये भगवान से प्रे करेंगे कि हे भगवान, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी ना हो गलत इस नया साल में, हर लड़की के जीवन में कुछ नया कुछ अच्छा हो, जो भी अपने मतलब अपनी शादीशुदा है चाहे अनमैरिड है चाहे मैरिड है, वो सब अपने जीवन में खुश रहें, मैरिड वाले भी अनमैरिड वाले भी। और हाँ दोस्तों, मैं मतलब मेरे पे बहुत बार कमेंट आया था कि बहुत लोग बोले थे कि आप कपल वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कपल वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ, तो इसकी वजह से मैं कपल वीडियो नहीं बनाती हूँ। हाँ, मैं अपने बाबू को लेकर थोड़ा बहुत वीडियो डालती थी, लेकिन मेरा बाबू गाँव में आता है तो नहीं सुनता, इधर उधर मस्ती करने लगता है, तो इसलिए मैं कपल वीडियो नहीं बनाती हूँ। और आप लोग से विनती करती हूँ कि आप लोग कोई भी कपल वीडियो बनाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग में केस चल रहा है
कोर्ट में, तो इसके वजह से हम लोग अलग, वो अपने घर पे रहता है, मैं अपने मायके से लेके बाहर तक, मतलब बाहर रहती थी, काम वाम करती थी, अभी इस समय आई हूँ कोर्ट के सिलसिले में, तो इसकी वजह से मैं कपल वीडियो नहीं डालती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कपल वीडियो बनाने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि आप लोग बोलते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप लोग ऐसा बोलते हैं कपल वीडियो। क्या कपल वीडियो बनाने से वीडियो भी हो जाते हैं? कपल वीडियो रहेगा तभी आप लोग देखेंगे, अगर नॉर्मली वीडियो रहेगा तो नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ऐसा सुन के कि जो चीज़ आप लोग बोलते हैं वो चीज़ मैं करने वाली नहीं हूँ। और रहा वीडियो बनाने का सवाल, तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी बहन सब बहुत ही अलग हैं, वो सब नहीं ध्यान देती हैं। मैं अपने बाबू के साथ, अपने भाई के साथ ज़रूर वीडियो डाल सकती हूँ, तो मेरा भाई भी इस समय घर पे नहीं है, इस समय बाहर है भाई, अगर आएगा तो एक दो वीडियो मैं अपने भाई के साथ बनाऊँगी, क्योंकि मेरा एक ही तो भाई है, हम छह बहनों के बीच में, जिसे मैं बहुत मानती हूँ, तो आएगा तो उसके साथ वीडियो बना के डाल दूँगी, बाकी किसी के साथ डालूँ या ना डालूँ। तो मैं अब आप सबसे विदा लेती हूँ, मतलब आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और खूब ढेर सारा प्यार चाहिए, और आज के लिए बस यहीं। तो नमस्ते, हम अंजलि सिंह, हमारे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत रहेगा, और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं इतनी लंबी वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और पूरा सपोर्ट कीजिएगा। महादेव आप लोग की हर मनोकामना पूरा करें, हर हर महादेव। बाय बाय।